नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ भूखट शराब और आप सभी के साथ हूँ मैं इस वक्त पुराने लखनऊ के एक ऐसे खास एरिए में जिसे लोग कह सकते हैं कि शाम में स्नैक्स या टी पॉइंट कहते हैं। ये है लखनऊ का, पुराने लखनऊ का एरिया जो है छोटे इमामबाड़ा के पास का। और यहाँ पर मैंने सुना है कि भाई ईरानी चाय, दम ईरानी चाय बड़ी फेमस है, तो चलिए दम ईरानी चाय पियेंगे। और इसके साथ साथ जस्ट साइड में सुना है मैंने खिचड़ा बहुत अच्छा लगाते हैं, तो आप उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ये सारी चीजें आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ और कैसे मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे इमामबाड़े को आने के लिए गेट है और ये सनतकदा का मॉन्यूमेंट। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं और ये छोटा इमामबाड़े का गेट है अंदर जाने का। देख सकते हैं भीड़, देख सकते हैं आप चहल पहल, देख सकते हैं। और ये देखिए, और ये रहा ईरानी फास्ट फूड और ये दूसरा रहा ईरानी दम टी। तो ईरानी फास्ट फूड और दम टी लोग एक ही हैं। फास्ट फूड मुझे खाना नहीं है, लेकिन दम टी और जो बन मक्खन है वो मुझे ट्राई करना है। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ, मैं लेता हूँ, टोकन लेना पड़ेगा। ये काउंटर है, टोकन काउंटर, जहाँ पर मुझे टोकन मिलेगा। भैया दो चाय दे दिए, दो चाय और एक मलाई बन मक्खन, दो चाय और मलाई बन मक्खन कप में। हाँ, कितना हो गया? 46। और तो ये मुझे मिला है 46 रुपीस का। तो मलाई चाय और बन मक्खन, ये रानी दमटी 13 रुपए की एक है। चलिए गर्मा गर्म चाय, वो भी कप एंड प्याली में। सबसे पहले तो इसे इसे पीने का मजा इसमें। सीरियसली यार, अगर आपने दीलानी दम की मिस की है लखनऊ में तो बहुत कुछ मिस किया है। आफ्टर जबरदस्त ईरानी दम टी के बाद बारी है खिचड़े की। इसके बीच में मेरा मोबाइल फोन बज गया, नहीं ये मेरा अलार्म था, 8 बज चुके हैं और मैंने जबरदस्त चाय पी है। चाय पीने के बाद अब मेरी बारी है। उसके जस्ट बगल में एक अंकल खिचड़ा लगाते हैं, बड़ी तारीफ सुनी है भाई खिचड़े की भी। तो चलिए खिचड़ा भी टेस्ट कर लेते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो फ्री होना चाहिए। ये अंकल लगाते हैं खिचड़ा, लखनऊ का मशहूर खिचड़ा, 50 रुपए और ये रहा 25 रुपए। वैसे मैं बड़ा वाला लगवाऊंगा। जरा एक प्लेट, एक कटोरा, हाँ एक प्याला खिचड़ा, बड़ा लगाइए, बड़ा 50 का है ना, जरा लगाइए।
ये लग रहा है अपना खिचड़ा। ये नींबू पड़ा, नींबू का टेस्ट, हल्का नींबू, ये नींबू, इसके बाद मसाले, प्याज, धनिया और ये मसाला। ये मसाला और ये मैंने एक प्याला खिचड़े का ऑर्डर दिया था, ये खिचड़ा आ चुका है। खिचड़ा और हलीम में बहुत डिफरेंस होता है, हलीम बनाने का तरीका अलग होता है और ये है खिचड़ा। खिचड़े में कई तरह के की दालों का मिक्स होता है और मीट के छोटे छोटे चंक्स पड़े होते हैं जो आपको खाने में चबाने होंगे, जबकि हलीम में ऐसा कुछ नहीं होता। हलीम एकदम प्योर होता है जिसमें चंक्स बिल्कुल नहीं आते। फिलहाल ये मैं मिक्स कर लेता हूँ इनका मसाला और जो भी प्याज उन्होंने डाला था, और अब इसको टेस्ट करने की बारी है। लेट्स सी, बिना मीट के पीस के मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। बहुत तेज मसालों के साथ है, हल्का स्पाइसी, बढ़िया। इसका टेस्ट कुछ यूँ है कि नींबू डाला तो ऑब्वियसली खट्टा मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ एक मीट के पीस के साथ टेस्ट करना। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। पूरी जो दालें डाली जाती हैं इसमें, तो ये दालों का मिक्सचर होता है खिचड़ा। खिचड़ा आया वर्ड खिचड़ी से ही है, सो कई दालों का मिक्सचर, उसके बाद एकदम दाल कहीं भी पता नहीं चलेगी आपको, गल चुकी होगी। मीट के चंक्स आपको पता चलेंगे और फ्लेवर। मस्ट रिकमेंडेड, एक बार जरूर है टेस्ट कर। फिलहाल आपने अभी मेरे इस ब्लॉग में देखा जबरदस्त ईरानी टी, जो मैं किसी भी लखनऊ वासी या जो बाहर का है उसे मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर आए। ईरानी दम टी पुराने लखनऊ में छोटे मामबाड़े के पास, और उन्हीं के जस्ट बगल में लगाते हैं ये खिचड़ा, मीट बॉल का ये खिचड़ा जबरदस्त। ये आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करने के लायक है। शाम में एक स्नैक्स पॉइंट है ये, समझ लीजिए आपका जबरदस्त, तो आपको मजा आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे नाम का, तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं यार, खाने के मामले में आप इतना आगे हैं ही है ना। बाय बाय।